सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हमारे पास आ चुकी है फोर्स की तरफ से ट्रैवलर, और ट्रैवलर ये नॉर्मल स्टॉक ट्रैवलर नहीं है। आप देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन वगैरह सब है, ये कंप्लीट कैरावन लुक में इसको बनाया है। तो हमारे एक सर हैं यहाँ पे जो इसको लेके आए थे, तो हमको ये वाला स्पॉट हमने इसको स्पॉट किया, तो हमें इसका वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये है BS6 मॉडल ट्रैवलर फोर्स की तरफ से, T2 4020 मॉडल, और ये आती है 2596 cc के साथ और 114 bhp प्लस 350 Nm ऑफ टॉर्क। ये आपको हो गया सारा इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। एंड फ्रंट्स में देख सकते हो, फ्रंट में आपको यहाँ पे टोटल ग्रिल मिल रहा है, और यहाँ पे इसका फोर्स का लोगो दिख रहा है, और ये नंबर प्लेट वो तो सॉरी, ये तो चीज़ आपको जो है कमर्शियल पर्पज़ में आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका जो टोटल लेंथ है, मैं आपको लेंथ बता देता हूँ, ये टोटल 22 फीट का लेंथ है इसका। ये दिखती है ऐसी ये गाड़ी कैसे बनाया इन्होंने वो भी दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम इसके डिटेल्स के बारे में जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइड से कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये कंप्लीट ऐसा दिखता है कि जिसको वैनिटी वैन भी आप बोल सकते हो। तो पीछे से इसका कुछ लुक ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और साइड प्रोफाइल भी सेम है एग्जैक्टली, कुछ वैसा डिफरेंस नहीं है, उस तरफ जैसा इस तरफ भी वैसा ही है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको यहाँ पे CCTV कैमरा देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें मॉडिफाई किए गए हैं, और स्टार्टिंग करते हैं हम। तो पहले मैं आपको इसका अंदर का दिखा देता हूँ कि अंदर में इसको कैसे बनाया गया है। होल्ड ऑन, ये देख सकते हो आप इसका, आपको इसका अंदर का सारा सिस्टम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको TV देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इसका AC है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 3-सीटर सोफ़ा मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सीट सारे मिल जाते हैं, और यहाँ पे लाइट भी ऑन हो गया इसका। ये कुछ इसका अंदर का लुक आ रहा है, यहाँ पे मिरर लगे, यहाँ पे खाना बनाने के लिए आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये है हमारे वैन के ओनर, तो सर हेलो हेलो। तो इन्होंने इस गाड़ी को बनाया इतने खूबसूरत तरीके से, आप देख सकते हो इसका अंदर का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, और वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह भी दे वो भी दिखा देंगे। तो सर पहले बैठिए, आप बातें करते हैं इसके बारे में। हाँ जी सर। तो सर इसका बनाने का आपका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि जो ओवरसीज ट्रैवलर्स आते हैं जी उड़ीसा में जी, तो कोविड के बाद उनकी जो क्वांटिटी से, मतलब जितने लोग आते थे वो घट गई जी। तो जस्ट टू अवॉइड कोविड दे वांटेड अ कैरावन। तो कैरावन इज ए बाहर की थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट है जी, तो वहीं वहीं चलती है जी। तो जब उड़ीसा के उन्होंने पूछने लगा कि तब तो उड़ीसा पे था नहीं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, टूरिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने उसको बनाया। ओके, तो सर का जो मेन पर्पस था ये टू हेल्प टूरिज्म पर्पस। और जैसे कि यहाँ पे मतलब कोविड के टाइम में ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो सारे कोविड के गाइडलाइंस अलग अलग चीज़ें होते थे, तो ये कैरावन एक मतलब कंप्लीट फैमिली पैकेज भी आप बोल सकते हो। तो ये इनका कुछ ऐसा है। तो सर आप बताइए, ये चीज़ आपने जो ट्रैवलर लिया था तो कंप्लीट स्टॉक में लिया था, और अंदर की चीज़ें के बारे में वो सारी? मैंने जब लिया था अंदर में कुछ था नहीं। ओके, कंप्लीट इट वाज ए एम्प्टी सेल। ओके, विद ओनली 2 सीट्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर की सीट थी और कुछ नहीं। ओके, जब कैरावन हम लोग बनाते हैं तो हमें अंदर की सेल खाली चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग सीट वगैरह लेके जाते हैं जी, तो वो पर्पस अब नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैंने ब्लैंक सेल लिया था। ओके, तो सर आप बताइए कि इसको अगर कोई बंदा बनाना चाहता है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जैसे RTO के वगैरह के सारे रूल्स? RTO सबसे बड़ी चीज वही है जी, कि अगर कोई कैरावन बनाने जा रहा है ओके, तो पहला चीज है यू हैव टू टेक अ परमिशन। RTO की अपनी गाइडलाइन है, ठीक है, वी गॉट टू फॉलो दैट। हम भी फॉलो करते हैं, और जो क्लाइंट बनाएगा उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए जी। वही तो सर सबसे इम्पोर्टेंट, सब गाड़ी पे कैरावन नहीं बन सकेगी। ओके, देयर इज वेरी स्पेसिफिक मॉडल फ्रॉम फोर्स ट्रैवलर जिसके ऊपर हम लोग कैरावन बना सकते हैं जी। तो कैरावन बनने के लिए RTO का जो गाइडलाइन है उस पे स्लीपिंग, सोने के लिए जगह होनी चाहिए, खाने के लिए जगह होनी चाहिए जी, एक वॉशरूम होनी चाहिए ओके, और एक पेंट्री होनी चाहिए। ओके, दिस इज अ मस्ट। ओके, तो सर ने सारा फुलफिल करवा लिया, तो उनको भी परमिशन मिल गया था कैरावन बनाने के लिए, और इतने खूबसूरत तरीके से बनाया। पहले आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा जी, कि आप किस क्या क्या चीजें अंदर देना चाहते हैं और किस किस जगह पे देना चाहते हैं।
एंड दैट डिजाइन हैज टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम आरटीओ। ओके, एक बार बन गई, बनने के बाद फिर आपको आरटीओ लेके जाना पड़ेगा। आरटीओ अपनी गाइडलाइन के हिसाब से जिस चीज के ऊपर उन्होंने अप्रूवल दी होगी तो उसके साथ आपने अंदर का जो चीजें बनाई है तो उसको वो मेल करके देखेंगे वही सही चीजें लगी है कि नहीं। okay. और सही चीजें सही जगह पे है कि नहीं। ओके, okay. उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सर और भी चीजें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का सारा दिख रहा है, वो भी चीजें और अंदर में सारे डिजाइन वगैरह भी खुद से बनाए गए। तो सर ये मटेरियल वगैरह कहाँ पे मतलब मिल सकता है? मटेरियल तो हर एक जगह पे मिल सकती है। बेसिकली कैरावन जो बनती है या मोटर रूम हम लोग कहें या वैनिटी वैन कहें, जी वैनिटी वैन इज मिक्स मटेरियल पे बनती है, वुड पे बनती है और पीपीसी एफआरपी पे बनती है। ओके, राइट। और कैरावन जो है वो एफआरपी पे बनती है या नहीं तो वुड पे बनती है। ओके, तो हालांकि उड़ीसा में एफआरपी की अवेलेबिलिटी नहीं थी और यहाँ एफआरपी को स्ट्रक्चर पे बनाने के लिए कोई था नहीं, सो आई हैव यूज्ड वुड। ओके, यह सारे लकड़ियों का काम किया गया है इसमें, सारा डिजाइनिंग वगैरह। और बाकी यहाँ पे आप फ्रिज देख सकते हो और यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, बाकी वहाँ पे चीजें के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं सर, आपको स्टॉक में इसका कितना प्राइस पड़ गया था? गाड़ी की जो प्राइस है जी वो दैट इज समवेयर अराउंड 17 लाख। 17 लाख। ओके, ये BS6 मॉडल है, आपको मैंने बताया। और इसको बनाने के बाद मतलब आपको टोटल खर्चा कितना आया? टोटल अब तक 35-36 लाख तक आया है टोटल। ओके, मतलब गाड़ी को इंक्लूड करके? गाड़ी को इंक्लूड करके। ओके, तो मतलब कि समवेयर अराउंड आपको डबल खर्चा आ गया। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 20 लाख हमें लगे अंदर की बनवाने के लिए। ओके, और 16-17 लाख आगे गाड़ी की कॉस्ट। ठीक, मतलब कि वही आपको डबल मिल गया उसका पूरा। ऑलमोस्ट डबल या सर डबल से थोड़ा भी ज्यादा हो सकता है। हाँ। चलो ठीक है, तो बाकी बात करते हैं आपको सर, ये इसको बनाया कितना टाइम हो गया? इसको बनाया 4 महीना लगे। 4 महीना हो गया। और आप इसको यूज कितने साल से कर रहे हैं, मतलब आपका कैरावन का एक्सपीरियंस कितने सालों का है? कैरावन की एक्सपीरियंस मुझे 8 साल की। ओके सर, का 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो सर आप बताइए कि आप इसको रोड पे लेके जाते हो तो आपको मतलब कैसा फील होता है इसको? एकदम बड़े हाथी की तरह लगता है ये गाड़ी, तो आपका फील कैसा है मतलब इसको रोड पे लेके जाने का? जब रोड पे लेके जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ अपना घर लेके जा रहा हूँ। ओके, तो सर इसको अपना मतलब एक छोटा घर मानते हैं, और जैसे लोग कोई होते हैं मतलब गाड़ियों से प्यार करते हैं, तो सर एक उसी तरह के हैं, तो जिससे कि उनको ये गाड़ी बहुत पसंद है, तो वो उनको बहुत पसंद करते हैं और उसको वैसे ही लेके चलते हैं। तो ठीक है सर, वो चीज़ अलग चीज़ है। और यहाँ पे टीवी वगैरह भी देख सकते हो सर, इसका एसी वगैरह तो ऐसा कैसा सिस्टम बनाया आपने इसका? एसी जो है वो इंजन एसी है। ओके, मतलब एसी इज कनेक्टेड विद द इंजन, राइट। अगर आप चाहते हो इस इंजन को अगर हम लोग अलग करें कर सकते हैं जी, लेकिन उसके लिए फिर हमें एसी के लिए फिर अलग सा पावर मोड देना पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग बाहर से एसी लगाते हैं, मतलब मान लीजिए घर पे जो स्पीड वगैरह लगता है जी, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, वो भी लग सकती है, लेकिन उसके लिए पावर सोर्स हम लोग को बाहर से लेना पड़ेगा। लाइक हमें डीजी सेट एक रखना पड़ेगा जिससे वो एसी वगैरह चले। ओके, और यहाँ पे अभी मैं इन्वर्टर रखा हूँ, 220 वोल्ट का इन्वर्टर मेरा है जी, तो जिसपे फ्रिज चलेगी, माइक्रोवेव चलेगी और केटल जो हम लोग यूज करते हैं चाय कॉफी बनाने के लिए वो भी चलेगी। और कुछ स्पेसिफिक चीजें हो गया, हाँ जो स्पेसिफिक चीजें होती है, लेकिन टीवी वगैरह जो है वो चलेगी, लेकिन एसी डायरेक्टली विद इंजन। ओके ओके, तो हाँ वो क्योंकि ज्यादा कंजप्शन करता है। ठीक ठीक ठीक, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सोफा वगैरह जो लगा है, ये रिक्लाइनर है जी, आप अगर उस तरफ चलेंगे बिस्कुट। ठीक ठीक, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप दिखा दी। ये रिक्लाइनर है जी, इसको हम लोग बेड पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे आरटीओ का रूल वगैरह आपका सारा होगा। हाँ। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से इसका एक्सटेंड हो चुका है, तो अगर कोई सोना चाहता है वो भी सो सकता है इस पे। आराम से सो सकता है। चलो सर, बिल्कुल बढ़िया, ये तो बढ़िया बनाया आपने यहाँ पे सारा इसका, ये देख सकते हो आप, दैट्स कूल। तो कुछ इस तरह से इसका बनाया है, कितने खूबसूरत तरीके से बनाया है, मतलब हमारे ओडिशा में सर ये पहली गाड़ी होगी जिसको हमने देखा है, तो हमने ऐसा कोई तो गाड़ी देखा नहीं है यहाँ पे। नहीं, एक है जी, अभी बनी है हाल पे। ओके,
दैट इज कैंपर वैन। ओके, वो कैंपर है लेकिन ये कैरावन है। अच्छा, कैंपर और कैरावन में कैंपर है जो आप जब आप कैंपिंग कैंपिंग के लिए जाते हो जी, पहाड़ पे पहाड़ों पे अगर आप जाते हो कैंपिंग के लिए तो आप अपने साथ जो गाड़ी लेके जाते हो जी वो है कैंपिंग वैन। ओके, दैट इज कैंपर वैन जी। राइट, कैंपिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए सब चीज उस पर होती है। ये कैरावन है। कैरावन इज बेसिकली व्हेन यू ट्रैवल इट रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग। ओके ओके, तो बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, ज्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो कैंपर वैन हो गया आपको कैंपिंग पर्पस के लिए, कैरावैन हो गया आपका ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। कैंपर वैन थोड़ा बिट काइंड ऑफ रफ एंड टफ काइंड ऑफ थिंग जी, जैसे हमारे यहाँ पे थार चलता है। हाँ, जैसे थार है रफ एंड टफ है, वैसे ही कैंपर वैन भी रफ एंड टफ है और ये थोड़ी नाजुक है। ओके, कैरावैन थोड़ी नाजुक सेंसिटिव, तो वो भी हो गया आपका इसका सारा सीन। चलते हैं, आपको इसका वॉशरूम भी दिखा देते हैं। ओके, तो सर आ जाइए, तो मैं दिखा दूंगा आपको वॉशरूम वगैरह सब इसका। तो वो इस मिरर में देख सकते हो। अभी चलते हैं वॉशरूम की तरफ। और ये सर, ये सिक्स फीट का है, मतलब हाइट? हाँ, सिक्स फीट, सिक्स प्लस है। ओके, सिक्स प्लस है। अब मैं तो आपको दिख रहा हूँ कि 5'9" के करीब हूँ और इसमें आपको इतना डिफरेंस मिल रहा है, 4-5 उंगलियों का गैप। तो अभी मैं चलता हूँ आपको इसका वॉशरूम वगैरह दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन, तो यहाँ पे आपको इसका बेसिन मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कमोड मिल रहा है और यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट फैन देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया है यार, किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे इसका मिरर एंड ये इसका डोर है। चलो जी, बंद हो गया ये। अब हम चलते हैं सामने की तरफ, फ्रंट की साइड में आपको चल के इन्वर्टर वगैरह दिखा देते हैं और इसका जो फ्रंट में सर ने बनाया उसको वो भी देख लेते हैं। तो सर चलिए फ्रंट की साइड। तो यहाँ पे इसका को ड्राइवर की सीट चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सर आप उस तरफ से आइए, तो चलते भाई यहाँ पे बैठते हैं इसके फ्रंट की साइड। और ये इसका डोर है। चलो जी, आपको इसका फ्रंट से आप देख सकते हो कि कैसा दिखता है। और यहाँ पे सर आ गए इसके यहाँ पे फ्रंट साइड पे। और आपको जो बेसिक हम इसका जो आपको इन्वर्टर दिखाने वाले थे वो इसका इन्वर्टर यहाँ पे दिया गया है। सर ये कितने है? तो ये तो पावर 15 mAh के इन्वर्टर है, 224 आउटपुट है। ओके, 15 mAh के दो बैटरी है जी और 224 के आउटपुट है जी। वाईफाई है। ओके, और वाईफाई नेट हमेशा ऑन रहता है। ओके, गाड़ी में जी। और कैमरा, चारों सिक्योरिटी कैमरे भी लगे जी। तो सर आप कैमरे को ऑपरेट कैसे कर रहे हो? फोन से। ओके, मतलब आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल जाएगा, दोनों साइड में मिल जाते हैं और पीछे में आपको कैमरा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर इसका गियर सिस्टम कितना है? मतलब 5+1। दिस इज 5+1। हाँ ओके, 5+1। और यहाँ पे आपको इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, आपको लगता होगा कि यहाँ पे आपको एसी वगैरह का सिस्टम मिलता है। एसी डक्ट दिया गया है लेकिन कंपनी एसी देती नहीं है। ओके, अगर आपको अगर चाहिए तो फिर देन वी कैन पुट एन एसी इन द फ्रंट। ओके, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एसी का नहीं है। नहीं, फिलहाल अभी एसी में दिया नहीं हूँ जी। और अंदर की जो एसी है यहाँ पे एक मैं डक दिया हूँ जी, एग्जॉस्ट की जी जी। तो अंदर की जब एसी चलेगी तो उसकी ठंडी हवा आ जाएगी बाहर। हवा जी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे फ्रंट में बहुत अच्छा सा स्पेस दिया गया है एंड ये कुछ ऐसा दिया है इसमें। तो जी थोड़ी देर के बाद अब इसकी आवाज भी सुन लो, वॉइस। अलग ही लेवल की चीज है ये। सर आप इसको जब बैक करते हो आप मतलब दिखता कैसे पीछे का? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। अभी पहले तो दिमाग में था नहीं वो चीज जी, तो अभी जो बैक की जो कैमरा है जी उसका एक स्क्रीन के साथ अटैच करके मैं सामने ले आ रहा हूँ। सो देखिए, जब क्योंकि पीछे ऑलरेडी कैमरे लगी हुई है जी जी, तो दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। तो जब ड्राइवर को जरूरत होगी तो वो देख सकता है पीछे का। तो सर आप वो भी कर सकते हो, फोन के साथ भी उसको ऑन करके फोन में देख सकते हो? हाँ, देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं फोन ऑन करके रखता हूँ तो ध्यान डाइवर्ट होगा। जी जी जी, हाँ ओके ओके ओके। तो जो इतनी बड़ी गाड़ी है इसको बैक करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो बंदे तो चाहिए जो भी हो जाए। तो ये सर, तो सर ने इसका एक अलग मतलब उपाय निकाला है, तो वो भी हो जाएगा इस गाड़ी में के। और बाकी ये है कुछ
हमारे फोर्स ट्रैवलर की स्टोरी और हमारे सर की स्टोरी। तो आपको अभी पीछे का दिखा देते हैं, फिर वीडियो कर देते हैं एंड। तो चलिए अभी पीछे के साइड दिखाते हैं आपको। तो वही अभी आपको पीछे का साइड दिखा देते हैं, पीछे में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हो ये कितना सारा सामान लगा इसके पीछे के साइड में। ओके सर, ये आपका फ्रेश वाटर इनलेट। ओके, फ्रेश वाटर टैंक का इनलेट है वो, यहाँ से हम लोग टैंक पे पानी भर सकते हैं। अंदर में तो पानी की जरूरत है जी। तो नीचे 40 लीटर की टंकी है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आपके आपको 40 लीटर की टंकी है और ये आउटलेट। ओके ओके ओके, अगर मैला पानी आप मैला हो जाता है तो जी निकालना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर। नहीं अभी मत करिए, अभी मत करिए, रहने दीजिए। और ये ब्लैक वाटर है जी, कमोड वाली वाटर है जी जी जी। तो इसको भी ये एग्जॉस्ट है जी, कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो अगर जगह मिला हाईवे पे इसको आप साफ कर सकते हैं। सही। और ये इन्वर्टर चार्जिंग पॉइंट है। ओके, और ये एक कटआउट में दिया हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके सर, वो जो आपको इन्वर्टर का चार्जर मिलता है वो कितने कितने मतलब टाइम में वो चार्ज होता है पूरा? एक बार आप चार्ज कर लो तो 8 घंटा तक चार्ज देता है। 8 घंटा चार्ज, 8 से 10 घंटा तक देता है। अगर आप कहीं रुकते हो तो ही चार्ज करते हैं। हाँ, अभी मैं सोलर लगा रहा हूँ जी, तो देखिए ये हमेशा चार्ज होते रहेगा। वो बढ़िया सिस्टम है। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर में आपको इसका एग्जॉस्ट फैन जो अंदर से दिखाया था वो भी है। और यहाँ पे इसका सिक्योरिटी कैमरा देख सकते हो। और ये कंप्लीट इसका पीछे का इसका जो बनाया डिज़ाइन वगैरह कुछ इस तरह से इसका देखने को मिल रहा है। तो सर के साथ मतलब वीडियो बना के मज़ा भी आया। और आपको गाड़ी कैसी आई, पसंद आई तो बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम आपको मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, घर पर रहना, सेफ रहना। अगर आप बाहर जा रहे हो तो ड्राइव सेफ, ड्राइव सेफ, हैव ए गुड डे बॉयज एंड गर्ल्स। बाय।